गाइस एकता कपूर कंपनी की फिल्म देखकर आ रहा हूँ, वो भी ये सोच के कि मेरे को नाली में गोल्ड फिश मिल जाएगा। तब्बू विदाउट अजय देवगन, कृति सैनन विदाउट कंटेंट, करीना कपूर विदाउट मेकअप की फिल्म क्रू देखकर आ रहा हूँ दोस्तों। और सच बताऊ, एक मिनट हंस लें दोस्तों, तब्बू थी इस फिल्म में। ये सोच के मैं ये फिल्म देखा कि यार स्क्रिप्ट दमदार रहेगा, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि एकता कपूर कंपनी ने उसको भी अपनी बकचोदी में घसीट लिया। तो प्रोडक्ट प्लेसमेंट का स्पॉन्सर जमा करके बनाई हुई फिल्म क्रू को मैं एक लाइन में रिव्यू करूं तो इससे अच्छा वीरे दी वेडिंग थैंक यू फॉर कमिंग है, कम से कम गंदा तो लगता। तेरे को कैसी लगी भाई? जीरो। मतलब फिल्म बनाऊ झाड़ भर, बकचोदी करू रात भर, इतना फनी है दोस्तों, इतना फनी है कि आप हंसते हंसते हक दोगे। फर्स्ट हाफ में तीन लड़के एयर होस्टेस के प्रोफाइल से बोर परेशान हो जाते, बेचारे लोग ठरकी लालची और चोरी का करने का सोचते, फिर वो गोल्ड की हाइस्ट भी करते हैं। सेकेंड हाफ तक जब आप उनकी बकचोदी से वाकिफ होते हो तो ऐसा लगता है तीन लड़कियां आसमान में और ऑडियंस गले की गांठ में। मुझे फिल्म ना ऐसा इतना मजा आया ना कि मैं बैठे बैठे स्टैंडिंग ओवेशन दे दिया। लेकिन फिल्म की अच्छी बात यह थी कि फिल्म में सारे गालियां म्यूट थे ताकि फिल्म देख के ऑडियंस गाली दे सके। और कुछ लड़की जो मेरे पीछे बैठे थे, एक तो वैसे भी वो लोग कूल बनने के लिए ये फिल्म देखने आए और वो हंस भी रहे थे इससे पहले कोई उन पे और हंसे। लेकिन एक सीरियस बात करूंगा दोस्तों कि फिल्म ने मेरे को सदमा कब दिया, जब फिल्म स्टार्टिंग से ही कॉन्टेंट को लेकर चल रही थी, फिर मैं बोला यार नहीं, डाउट हो रहा है, फिर जाकर एक बुड्ढे का खड़ा होना दिखाना, फिर लेना मरवाना लेना मरवाना, फिर डायलॉग ना हो तो ऊपर का बटन खोल देना, तब मेरे को मालूम पड़ा कि भाई यस, ये है मानव धर्म फ्रॉम एकता कपूर कंपनी, तब मेरे को मजा आया भाई, मैं बोला ये हुई ना बात। भाई अगर आप सिद्धार्थ आनंद बोल देना कि 90% ऑडियंस को ये फिल्म पसंद नहीं आएगी क्योंकि वो लोग प्लेन में नहीं बैठे, तो मेरा तो मारा मारी हाथा पाई हो जाएगा भाई। ऊपर से मैं ये सोच रहा हूँ दोस्तों कि जो श्री राम लाए मोदी जी वो विजय माल्या को नहीं ला पाए, ये तीन लड़की अपने बकचोदी से विजय माल्या को इंडिया ला देते अगर विजय माल्या ये देख लिया ना, तो वो भी ईमानदार बन जाएगा एंड छोले भटूरे का दुकान डालेगा स्टारबक्स में। एनीवेज सीरियस बातें साइड में रख के मजाक की बात करूं तो परफॉर्मेंस सभी का अच्छा था, स्पेशली मेकअप का। वही कपिल शर्मा का भी काम रोल अच्छा ही था, उनको तो बोल दिया कि भाई तुमको तब्बू का हस्बैंड बनना है, वो बोले कि भाई मेरे से बड़ा टर्की कोई नहीं हो सकता। वही कृति सैनन को एक और गणपत मिल गया एंड गाने भी फिल्म के इतने ओरिजिनल है कि आप डेली म्यूट पे सुनोगे। अच्छा, चैट जीपीटी की मदद से फिल्म के डायलॉग्स भी अच्छे लिखे, स्पेशली पूरे पिक्चर में आपको सोना कितना सोना है, सोना कितना सोना है, ये आपको बार बार सुनाई ये आपको बार बार सुनाई देगा। फिर बाद में ये सस्पेंस मालूम पड़ता है कि मेकर्स आपको बोल रहे हैं भाई सोना है तुमको थिएटर में सोना है। बट टू बी ऑनेस्ट, फिल्म का स्टोरी स्क्रीन प्ले एंड डायरेक्शन बहुत अच्छा है, प्लीज लाइसेंस कैंसिल कर दो उनका। वही फिल्म के अंदर एक ही बीजीएम है जो बार बार बजता है, वापस क्या ना, तो गुप 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 दूंगा। सॉरी। सो ओवरऑल कुकुर मूवी देख के भाई साहब कॉमेडी ने तो मेरी जान ले ली, मैं तो मर गया होता, इतनी हंसी आ गई। सोचो ना अगर मैं इस फिल्म को देखते हुए मर गया होता तो क्या न्यूज बनती कि सूरज कुमार अच्छी फिल्म देख के मर गया। लेकिन तो डिनाई नहीं कर सकता वो सीन मुझे बहुत बहुत फनी था। कौन सा? वो मड़गांव एक्सप्रेस वाला, मैं रिपीट मोड पे आज वापस देखूंगा। अच्छा, मैं तो दूंगा क्रू को 1/5 स्टार। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, नहीं तो जाओ देख कर। क्या खत्म? चूरन, मैं 15 मिनट से खड़ा हूँ सिर्फ 2 डायलॉग बोलने के लिए, ऐसे मैं 15 डायलॉग अपने वीडियो में बोला फाइट दे दूंगा।